एनबीएसए ने बोला है उन्हीं लोगों की वो बॉडी है, और उन्होंने अगर चैनल को बोला है, फाइन लगाया है, तो डेफिनेटली पूरा ड्यू डिलीजेंस करके लगाया है। ट्वीट का विषय है कि कुछ ऐसे ट्वीट दिखाए गए जिनको, जो ट्वीट एक्चुअली सच नहीं है, जो ट्वीट का ड्यू डिलीजेंस नहीं किया गया और उसके बाद उनको चैनल पर दिखाया गया, तो डेफिनेटली अब एनबीएसए ने उनको ये वर्डिक्ट दिया है तो फाइन भी देना पड़ेगा, माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। तो अब माफ़ी मांगने की बात की गई है, बकायदा एक पूरी स्क्रिप्ट भी लिख करके दी गई है कि क्या क्या चीज़ें बोलनी है, प्राइम टाइम यानी 8 बजे पर माफ़ी मांगनी है, जो बहुत ही आवश्यक है। तो बिल्कुल अब वेट करेंगे आप, हम सारा देश 23 अप्रैल को 8 o'clock पर माफ़ी मांगी जाएगी, 8 o'clock पर वो चीज़ पढ़ी जाएगी जो स्क्रिप्टेड, जो लिख करके भी दिया गया है। मैम, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरीके से आज तक ने रिपोर्टिंग की और उनके ट्वीटों को लेकर तमाम तरीके के झूठ फैलाए, आज एनबीएसए ने भी उनके ऊपर फाइन लगा दिया आज तक के ऊपर, और कहा है कि अब आज तक माफी मांगे इस सारी चीजों को लेकर। जी बिल्कुल, ये कल की खबर है और इस खबर को लेकर के जितने भी एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ सुशांत सिंह राजपूत हैं, जो डे वन से सुशांत की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बहुत खुश हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी बोली गई जो अच्छी नहीं लगी जो SSRNs हैं उन सारे लोगों को। तो अब माफ़ी मांगने की बात की गई है, बकायदा एक पूरी स्क्रिप्ट भी लिख करके दी गई है कि क्या क्या चीज़ें बोलनी है, प्राइम टाइम यानी 8 बजे पर माफ़ी मांगनी है, जो बहुत ही आवश्यक है। तो बिल्कुल अब वेट करेंगे आप, हम सारा देश 23 अप्रैल को 8 o'clock पर माफ़ी मांगी जाएगी, 8 o'clock पर वो चीज़ पढ़ी जाएगी जो स्क्रिप्टेड, जो लिख करके भी दिया गया है। तो बहुत खुश हैं। जहाँ तक सुशांत सिंह राजपूत के पूरे मामले का केस है, देखिए ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है और सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी इसी तरीके का तूफान हो रहा है और ऐसा ही मंथन हो रहा है जैसा अभी आप दिल्ली में मेरे पीछे देख रहे हैं। पूरे का पूरा तूफान चल रहा है, पूरा उठा पटक हो रखी है, ऊपर नीचे सब कुछ हो गया है, लेकिन अभी तक सुशांत सिंह राजपूत की जो रहस्यमयी मौत है उसके बारे में पता नहीं चल रहा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहती हूँ श्रेन, वो ये है कि हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। जहाँ तक NCB का सवाल है और CBI का सवाल है, दोनों मिलकर के सिनर्जी में काम कर रही हैं। मैंने कल भी इस बारे में बात करी थी अपने चैनल के माध्यम से और लोग मुझसे बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि मैम SSR के बारे में आपने बहुत समय से बात नहीं करी। अच्छा हुआ कि आज आप भी इस विषय पर बात करने के लिए मेरे पास आ गए, आपका चैनल बहुत लोग देखते हैं और सुनते भी हैं। तो सब लोगों से मैं ये बोलना चाहती हूँ और ये निवेदन करना चाहती हूँ कि सुशांत का जो केस है वो नार्कोटिक्स से डेफिनेटली लिंक्ड है और NCB जो कार्य कर रही है समीर वानखेड़े जी के तत्वाधान में, वो सुशांत सिंह राजपूत की जो रहस्यमयी मौत है उसी को खोज करने के लिए कर रही है। हिंदुस्तान को मैं ये भी याद दिला देना चाहती हूँ कि एक डिटेल्ड चार्ज शीट, जिसको NCB की भाषा में कंप्लेंट कहते हैं, वो भी भरी गई है NCB के द्वारा और उसमें रिया चक्रवर्ती और उसका जो भाई है शौविक चक्रवर्ती, दोनों को दोषी बनाया गया है, वो उसमें चार्जशीटेड है NDPS एक्ट के तहत। अभी 2 दिन पहले 2 लोगों को पकड़ा गया है, जब बहुत रेड हुई थी मुंबई के अंदर तो 2 लोगों को पकड़ा गया, 2 बड़े ड्रग पेडलर्स को पकड़ा गया है और वो दोनों ड्रग पेडलर जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़े हुए हैं। तो इस केस में लगातार काम किया जा रहा है, CBI और NCB मिलकर के काम कर रही हैं। बस हमें अपना फोकस लगा करके रखना है और इंपेशेंट नहीं होना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हर एजेंसी देख रही है और विश्वास कीजिए सुशांत को न्याय मिलेगा। और आपको मैं एक चीज़ और बोल देना चाहती हूँ कि सुशांत को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों प्रकार से न्याय मिलेगा। मैं बताती हूँ आपको, इनडायरेक्टली आप इसको माने चाहे डायरेक्ट माने, वो गृह मंत्री जिन्होंने, महाराष्ट्र के वो गृह मंत्री बाय द वे जिनके आगे पूर्व लग गया है, जिन्होंने बाहर आकर के विद इन नो टाइम ये बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करी है, कहाँ हैं वो आज गृह मंत्री? क्या वो महाराष्ट्र के अंदर गृह मंत्री हैं? क्या वो आज भी अपनी गद्दी पर बैठे हुए? जी नहीं, उनको हटा दिया गया, उनको इस्तीफा देना पड़ा और उनकी कल बहुत अच्छी तरीके से CBI से ग्रिलिंग हुई, उसी CBI जिसके हाथों में इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का केस नहीं दिया। तो ये इसे कहते हैं पोएटिक जस्टिस, आज वो खुद फेस कर रहे हैं CBI को, और किस चीज़ में? 100 करोड़ के उगाही के मामले में। छोटा मोटा केस नहीं है हिंदुस्तान, बहुत बड़ा केस है, इसे पोएटिक जस्टिस कहते हैं। वो कॉप्स, चाहे वो सचिन वाजे हो, चाहे मिस्टर परमवीर सिंह हो, और मुझे नाम लेने में कोई तकलीफ नहीं है, जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की इस रहस्यमयी मौत को इंक्वेस्ट इंक्वायरी में बदल दिया और 60 दिन तक भी FIR नहीं करी, वो भी आज पोएटिक जस्टिस को झेल रहे हैं। एक NIA की गिरफ्त में है, उस पर कई प्रकार की धाराएं लगी हुई हैं सचिन वाजे, और जिस प्रकार के झोल झपाटे और खेल सचिन वाजे के निकल करके आ रहे हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। अभी आपने पैसों का जिक्र किया तो पैसों को लेकर यहाँ पे आज तक को लेकर भी सवाल उठता है कि आज तक तो जिस तरीके से NBSA ने कहा है कि आपको 1 लाख रुपये का फाइन भी भरना पड़ेगा, माफी के लिए भी बोल दिया है, 1 लाख रुपये फाइन के लिए भी बोल दिया, क्या इसके बाद अब फिर से ये चैनल सुधर पाएंगे?
करेंगे, क्योंकि मैम लगातार इस तरीके की चीज़ें देखी जाती हैं चैनलों की तरफ से। देखिए NBSA ने बोला है उन्हीं लोगों की वो बॉडी है, और उन्होंने अगर चैनल को बोला है, फाइन लगाया है, तो डेफिनेटली पूरा ड्यू डिलीजेंस करके लगाया है। ट्वीट का विषय है कि कुछ ऐसे ट्वीट दिखाए गए जिनको, जो ट्वीट एक्चुअली सच नहीं है, जो ट्वीट का ड्यू डिलीजेंस नहीं किया गया और उसके बाद उनको चैनल पर दिखाया गया, तो डेफिनेटली अब NBSA ने उनको ये वर्डिक्ट दिया है तो फाइन भी देना पड़ेगा, माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। तो ये सारे का सारा जो कहानी और जो किस्सा है ना, जिस प्रकार से एक फ्रेंडली और एक ग्लोरीफाइड इंटरव्यू किया गया था रिया चक्रवर्ती का, उसको भी देश नहीं भूल सकता ना, वो भी याद है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता से किसी ने बात करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन रिया चक्रवर्ती से बात करके उसकी इमेज करेक्शन करने की पूरी कोशिश की गई। तो क्या ये सारी चीज़ें सही हैं? अगर पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है, करोड़ों लोग एक साथ खड़े हैं और वो लगातार एक सुर में सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि ऑल वी वॉन्ट इज जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, तो क्यों नहीं ये लोग जो भ्रमित करने वाली बात कर रहे हैं वो इस चीज़ को देख पा रहे हैं? क्यों ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक सेंटिमेंट है जो उभर करके निकल करके आया है और वो सुशांत के लिए न्याय मांग रहे हैं? और देखिए, ये सिर्फ सुशांत के लिए न्याय मांगने की बात नहीं है, ये हर उस युवा के लिए न्याय मांगने की बात है जो इस प्रकार के अन्याय को मुंबई की माया नगरी में झेलता आ रहा है या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में झेलता आ रहा है। अगर ये नॉलेज, किसी की भी नॉलेज में ऐसे केसेस आते हैं तो क्या उस बारे में बात नहीं की जानी चाहिए? जहां तक SSR का केस है, देखिए SSR ने तो हम लोगों को नहीं बोला ना कि ये केस मेरा लड़िए, वो तो ऊपर से देख रहा है और वो डिवाइन सोल है, उसी ने हम सबको एक किया है। लेकिन अगर पूरा देश आज सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई लड़ रहा है, तो देश में इन लोगों को ये भी समझ जाना चाहिए कि आज से पहले इतना मैसिव मोमेंट कभी भी किसी के लिए भी जनता के द्वारा अपने आप ऑर्गेनिकली कभी खड़ा नहीं हुआ है। आज जनता एक साल होने को आया है, लगातार लड़ रही है, लगातार आवाज़ उठा रही है। इसमें से हम में से किसी का कोई डायरेक्ट लेना देना सुशांत सिंह राजपूत से नहीं है, किसी का किसी को कोई गेन नहीं है इस सब चीज़ से, लेकिन सब सुशांत के लिए न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि जो सिस्टम भी है वो सिस्टम को भी करेक्ट करने की बात है। अब आप देखिए ना, जो लगातार हम सारे लोग SSRians, एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, आपका चैनल, तमाम लोग जो बात करते आए हैं, वो क्या करते, बोलते रहते कि ऑल इज नॉट वेल इन मुंबई, मुंबई में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और गड़बड़ निकल करके आ रही है। मैं तो पूरे दम से बोलना चाहती हूँ श्रेयन कि मैंने 17-18 जून से लड़ाई लड़नी आरंभ कर ली थी और तब भी मैं ये बोलती थी कि वहाँ पर गड़बड़ है, वहाँ पर पुलिस महकमे में गड़बड़ है। अब ये बताइए कि मैंने क्या गलत बोला, सचिन वाजे जिसको सारे हाई प्रोफाइल केसेस दे गए, एक ऐसा कॉप जिसको सस्पेंड कर दिया था कस्टोडियल डेथ के लिए, एक ऐसा कॉप जिसको आज पकड़ा गया, NIA ने पकड़ा, तो क्या क्या चीजें निकल करके आती है। वो एक आतंकी हमला करवा रहा था, 100-100 करोड़ की उगाही कर रहा था, सारे हाई प्रोफाइल केसेस उसको दे दिए थे क्योंकि स्कोर सेटल करने थे वहां की सरकार को। और उसके बाद देखिए, ये जो जिलेटिन वाला केस है उसके ऊपर एक बड़ा खुलासा कि वो एक झूठा एनकाउंटर भी करने वाला था, उसके लिए उसने दो लोग आइडेंटिफाई कर दिए थे, उनमें से एक व्यक्ति का जो पासपोर्ट है वो NIA को वाजे के घर से मिला। इतना खतरनाक, इतना मतलब देशद्रोही आदमी, जनता विरोधी आदमी, खाकी वर्दी पहने हुए वहां की सरकार के नाक के नीचे एक के बाद एक गलत काम करता रहा। अगर हम फिर से सुशांत सिंह राजपूत की बात करें, तो सुशांत सिंह राजपूत के जिन फैंस का आपने जिक्र किया, उन फैंस की तरफ से यह मांग भी उठ रही है कि जिस तरीके से NBSA ने कहा है कि आज तक को माफी मांगनी चाहिए, और उन लोगों के जो फैंस है उनका यह कहना है कि तमाम उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर इस तरीके की बातें कही है। तो जो बात मैम हमने शुरुआत में उठाई थी कि अब लोग कह रहे हैं कि राजीव मसंद जैसे लोगों को भी कर सामने माफी मांगनी चाहिए सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, जिस तरीके की चीजें उन्होंने छापी थी। बिल्कुल, राजीव मसंद, हाँ मुझे बिल्कुल ये नाम याद आ गया है, और उन्होंने तो ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे थे सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर, और उन्होंने तो ये लिखा था कि ये बाहर का व्यक्ति है, इसको यहाँ से चले जाना चाहिए, इसको कुछ नहीं आता है, सो ऑन सो फोर्थ। अरे आप कौन होते हो? उस वक्त तो सुशांत जिंदा था, आपने उस जिंदा व्यक्ति को जीते जी मार दिया, उसके बारे में ब्लाइंड आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए, उसके कैरेक्टर को असासिनेट करना शुरू कर दिया, उसके बारे में बुरी बातें बोलनी शुरू कर दी। ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है, एंड डेफिनेटली उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और स्पेशली राजीव मसंद का इसलिए मसला ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बड़ा हो जाता है क्योंकि वो एक फिल्म क्रिटिक हैं, वो खुद को फिल्म क्रिटिक बोलते हैं, और फिल्म फटर्निटी से उनका लेना देना है, और उन तमाम लोगों के साथ देना है जो लोग अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड कस्टोडियन बना करके रखे हुए हैं बॉलीवुड के, वो उन्हीं के साथ अब काम कर रहे हैं, मिस्टर जौहर के साथ आई बिलीव वो अब काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली माफ़ी मांगनी बनती है क्योंकि उस लड़के को बहुत प्रेशर में डाला गया था, उसने जो भी काम किया अपनी मेहनत से किया, और हम सारे लोग सिर्फ एक
ही चीज चाहते हैं कि सुशांत को जस्टिस मिलना चाहिए और वो न्याय मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनसीपी के नेता ने ये कहा था, एक जो नेता थे उन्होंने ये कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत मरने के बाद ज्यादा फेमस हो गया है। और वहीं पर अगर हम राजदीप सरदेसाई की बात करें जो कि इंडिया टुडे के वरिष्ठ और बड़े पत्रकार हैं, वो तो ये कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत कोई बड़ा कलाकार ही नहीं थे, तो इन सारे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है जब कोई व्यक्ति चला जाए उसके बारे में इतनी छोटी और ओछी अगर आप बात करते हैं तो ये दर्शाता है कि आपकी मानसिकता कैसी है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत उम्दा एक्टर ही नहीं थे, वो बहुत बढ़िया इंसान थे और माँ भारती के सच्चे सपूत थे। इसीलिए आज भी उन्होंने पूरे देश में अपनी शक्ति से देश को की जनता को एक करके रखा है और हम सारे लोग उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ तक नेताजी का सवाल है, नेताजी को ये पता होना चाहिए कि आज उनकी पार्टीज का क्या हाल हो रहा है, आज उनकी सरकार का क्या हाल हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत पर कमेंट करने वाले लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि आप लोग तो अपनी सत्ता नहीं संभाल पा रहे, वो लड़का तो 30 वर्ष की उम्र में अपने आप को देश के अंदर विदेश के अंदर इतना फेमस करके चला गया कि आज जनता उसके लिए रो रही है, लोग उसके लिए न्याय की गुहार कर रहे हैं। एक बार एक चीज और बोलना चाहती हूं कि एनसीबी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, सीबीआई इज ऑल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब, ये सारे लोग सिनर्जी में काम कर रहे हैं। हैव फेथ इन योर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय 1000% मिलेगा। हम लोग सही ट्रैक पर हैं, हमें बात करनी है एंड जस्टिस फॉर एसएसआर जो मुहिम है वो चलती रहेगी। सुशांत विल गेट जस्टिस। थैंक यू मैम।